टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। महाराष्ट्र में कोरोना की दूसरी लहर घटने के बाद अब ये माना जा रहा है कि 1 जून के बाद अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। दूसरी कोरोना लहर में महाराष्ट्र में कोरोना के केस काफ़ी बढ़े थे, मगर उसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने नाइट कर्फ्यू लगाया, उसके बाद लॉकडाउन जैसे कड़े नियम लागू कर दिए थे। मगर अब दूसरी लहर में जिस तरह से काफ़ी केसेस कम हो रहे हैं, काफ़ी रिकवरी हो रही है, मगर कोरोना की तीसरी लहर के खतरे का अंदेशा भी इसी बीच लगाया जा रहा है। और तीसरी लहर की वजह से पिछले दिनों और सीएम उद्धव ठाकरे ने साफ कहा था कि अनलॉक पर फैसला लेने के पहले 10 बार सोचे, मगर अब जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक महाराष्ट्र सरकार 4 चरणों में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर सकती है। हालांकि 1 जून के बाद कभी भी ये फैसला लिया जा सकता है। पहले चरण में दुकानें खोलने की समय सीमा जो है वो बढ़ाई जाएंगी। बताया जा रहा है कि 7 बजे सुबह से दोपहर 2 बजे तक की जा सकती है। और जो दूसरा चरण है उसमें जो रोज़ाना की ज़रूरतों की दुकानें हैं उन्हें खोलने की अनुमति दी जा सकती है। इसके अलावा तीसरे चरण में होटल, परमिट रूम, बियर बार, शराब की दुकानें प्रतिबंधों के साथ खोली जा सकती है। होटल 50% सीमा से शुरू होने की संभावना है। और चौथे चरण में मुंबई लोकल और धार्मिक स्थानों से प्रतिबंध हटाया जाएगा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। विशेषज्ञों की माने तो अगस्त और सितंबर 2021 तक तीसरी कोरोना की लहर आने की संभावना है, इसलिए राज्य अनलॉक करने के लिए कई मापदंडों की निगरानी करेगा। अगर केस बढ़ते हैं तो फिर एक और लॉकडाउन की संभावना है। सरकार लॉकडाउन हटाने पर फैसला करते समय 3 जरूरी मापदंडों को ध्यान में रखेगी। इस पर आगे होने वाली कैबिनेट बैठक और टास्क फोर्स के साथ चर्चाएं की जाएगी, इसके बाद ही कोई फैसला होगा। ये तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।